हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक रुपया कॉपर निकल स्मारक सिक्का का जानकारी देने वाला हूँ। ये सिक्का हमको आम चलन में जारी किया गया है। दोस्तों, ये सिक्का पर्टिकुलरली 3 मिनट से हमको मिंट किया गया, 2 मिनट का आज जारी किया, जो मिनट से जारी किया गया है। ये सिक्का स्केयर कैटेगरी में आता है, पर्टिकुलरली 1 मिनट का सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है। दोस्तों, वो मिंट क्या है, वो मिंट मार्क हम कैसे पहचाना है, यह सारा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो देखने के बाद आपके पास पड़ा हुआ सिक्काओं में से ये पर्टिकुलर मिंट का स्मारक सिक्का है या नहीं, जरूर चेक करके मुझे बताइए। क्योंकि ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट अच्छा कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो वर्तमान 50,000 तक रहता है, 50,000 रुपीज़ तक रहता है। कम से कम फाइन वेरीफाइड कंडीशन में मिलने से भी 40,000 तक तो रहता है ज़रूर। और ये सिक्का मैंने बहुत कोशिश किया कलेक्ट करने, मुझे नहीं मिला आज तक। ये वीडियो का डिस्क्लेमर और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर खुले पूरा पढ़िए। दोस्तों, अगर पहली बार हमारा चैनल वीडियो देख रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो कंटिन्यू कीजिए। आपके पास ये रेयर मिंट का सिक्का है तो क्या करना है, वो जानकारी मैं इस वीडियो में देता हूँ। ये 1 रुपया कॉपर निकल स्मारक सिक्का हमको अवर साइड से ऐसे नजर आता है। दोस्तों, अशोक लाइन कैपिटल, नीचे सच में जो है 1 न्यूमेरिकल, राइट साइड हमको इंडिया रुपी इंग्लिश में मिंट किया गया, लेफ्ट साइड हमको भारत रुपया हिंदी में मिंट किया गया। दोस्तों, ऐसा रिम डिज़ाइन से हमको ये सिक्का ऐसा आता है अवर साइड, और ये सिक्का हमको कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया है। दोस्तों, 6 ग्राम वजन में रहता है और 26 मिलीमीटर्स का साइज़ में रहता है। ये सिक्का हमको सिक्योरिटी एज से आया दोस्तों, एज रिवर्स साइड हमको देखने से इंटरनेशनल यूथ ईयर का संदर्भ में हमको 1985 में जारी किया गया है ये सिक्का। ये सिक्का दोस्तों हमको मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद 3 मिनट से हमको जारी किया गया। दोस्तों, मुंबई और कोलकाता मिनट से जारी किया गया। ये 1 रुपये कॉपर निकल स्मारक सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट वर्तमान 150 रुपये तक रहता है यूएनसी कंडीशन में। ये दोनों मिनट से ये पर्टिकुलर सिक्का हमको स्केयर कैटेगरी में आता है, और ये सिक्का हमको हैदराबाद मिंट से मिला तो आपको रेयर कैटेगरी में आता है। क्योंकि बहुत कम संख्या में जारी करने की वजह से हमको हैदराबाद मिंट से ये इंटरनेशनल यूथ ईयर स्मारक सिक्का बहुत रेयर माना जाता है। और ये सिक्का का मिंट मार्क कैसे हम देखना है, वो सिक्का हैदराबाद मिंट का है या और किसी मिंट का है, कैसे पता करना है, मैं अभी बताता हूँ। मैं नमूना के लिए मैं एक सिक्का दिखाया हूँ, उस पर हम देखने से ईयर और कबूतर के बीच में हम देखने से कुछ भी मिंट मार्क हमको नज़र नहीं आ रहा है। मतलब वो सिक्का हमको कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। अगर ये बीच में हमको डायमंड मिंट मार्क नज़र आए तो वो सिक्का हमको बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, रिवर्स साइड हमको इंटरनेशनल यूथ ईयर स्मारक सिक्का का रिवर्स साइड हमको ईयर और कबूतर पिक्चर जो है वो दोनों के बीच में इस इमेज में देखने से हमको स्टार मिंट मार्क हमको देखने को नज़र आ रहा है। मतलब ये सिक्का हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है। आपके पास पड़ा हुआ इंटरनेशनल यूथ ईयर 1985 कॉपर निकल सिक्का में रिवर्स साइड हमको ईयर के नीचे स्टार मिंट मार्क होना चाहिए। वो पर्टिकुलर हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है वर्तमान। अगर आपके पास पुराना डिब्बा या गुल्लक में अच्छे कंडीशन में है तो ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट वर्तमान 50,000 तक, 50,000 तक पहुँच गया। अगर फाइन वेरी फाइन कंडीशन में मिलने से भी आपको 30,000 to 40,000 तक भी मिल जाता है आपको वैल्यू एस्टिमेट। अगर आपके पास ये सिक्का है तो ऑक्शन हाउस जाके आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सिक्का जो है वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी सिक्का है, इसलिए आप लोग ऑक्शंस में कोशिश कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।